हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुमित राठी, आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल जिसका नाम है वाईफाई स्टडी यूपीएससी। सो दोस्तों, तारीख है 20 दिसंबर, समय है सुबह के 8 बजे और हमें करना है आज का करंट अफेयर। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आने वाली है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द करंट अफेयर पर्सपेक्टिव। सो दोस्तों, उससे पहले आपको ये याद है, ठीक है, सुमित 10, आप कोई भी अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यू कैन यूज दिस कोड। आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे एंड यू विल गेट द 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। चलो, विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन विद द क्लास। आज की क्लास के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ। क्या है आज की न्यूज, सारी चीजें जो है वो हम यहाँ पर देखेंगे। सो हेयर इज द फर्स्ट न्यूज, जो पहली न्यूज हमारे पास, दिस इज अबाउट द एसेसिबल इलेक्शन। सो एसेसिबल इलेक्शन क्या है, क्या इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट है, हम देखते हैं। सो सबसे पहले देखते हैं एसेसिबल इलेक्शन का मतलब। देखो, नाम से ही समझ में आ रहा है, एसेसिबल मतलब क्या होता है कि हमें इसको एक ऐसे सेक्शन को एसेसिबल करना है जो शायद अभी तक इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टुडे ऑर्गेनाइज्ड अ नेशनल वर्कशॉप ऑन द एसेसिबल इलेक्शन। ठीक है, एसेसिबल इलेक्शन के ऊपर भारत निर्वाचन आयोग ने आज सुलभ चुनाव पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया था। अच्छा, इसका पर्पस क्या होता है, मैंने बताया था आपको। देखो, राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन हुआ है किसके द्वारा, भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि चुनावों को जो है वो सुलभ किया जा सके, एक्सेसिबल बनाया जा सके फॉर द पीडब्ल्यूडी, जो सेक्शन होता है हमारा, जो आपका, उनके लिए ये सब काम किया गया। तो पर्पस क्या है इसका, द वर्कशॉप वॉज ऑर्गेनाइज विद द पर्पज ऑफ रिव्यूइंग स्टेप्स टेकन एज येट बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर मेकिंग इलेक्शन पीडब्ल्यूडी एंड सीनियर सिटीजन फ्रेंडली एंड टू डिलीबरेट ऑन द स्टेप्स स्टिल रिक्वायर्ड टू मेक द प्रोसेस मोर इंक्लूसिव इन द एसेसिबल। एज आई टोल्ड यू, इस पूरी जो इसका पर्पज है, वो पर्पज क्या है कि जो पीडब्ल्यूडी सेक्शन होता है हमारा, प्लस में जो हमारे पास सीनियर सिटीजन हमारे होते हैं, उनके लिए इस पूरी प्रोसेस को, इलेक्शन प्रोसेस को एक्सेसिबल बनाया जा सके, इस चुनाव प्रक्रिया को उनके अनुकूल बनाया जा सके। ठीक है, सो चुनाव प्रक्रिया को पीडब्ल्यूडी और जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उनके अनुकूल बनाने के लिए जो जो काम किए जाने चाहिए उसके लिए, उन चीजों को डायरेक्ट करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये बेसिकली और आपका जो वर्कशॉप है एसेसिबल इलेक्शन ये की थी। अच्छा, इसका बैकग्राउंड कहां से ट्रेस होता है, तो अगर मैं बात करूं, जनवरी 2018 में ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोल दिया था कि जो इलेक्शन एसेसिबल इलेक्शन का हमारा जो एजेंडा रहेगा वो हमारा थीम रहेगा किसके लिए, आपका जनरल इलेक्शन 2019, है ना, समझ में आ रही बात। कि बैकग्राउंड में अगर मैं बताऊं आपको, तो जनवरी 2018 से ही ये चीज बोल दी गई थी कि जो एसेसिबल इलेक्शन का जो हमारा कैंपेन रहेगा वो हमारा गाइडिंग थीम रहेगा, गाइडिंग प्रिंसिपल रहेगा फॉर द जनरल इलेक्शन 2018। द मेन स्पिरिट बिहाइंड द एसेसिबल इलेक्शन इज टू मेक द एंटायर चेन ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस E2E, that means enrollment to election PWD friendly and accessible, and the center system and from the and the entire system from the BLO to the ECI headquarter needs to be the work to overcome these issues. पूरी प्रोसेस का मतलब क्या है, इसकी मेन स्प्रिट जो है बिहाइंड द एसेसिबल इलेक्शन के, इसकी जो मेन पूरा जो मसला है इसका, वो क्या है कि जो पूरी चुनाव प्रक्रिया है, पूरी चुनाव प्रोसेस जो है, चाहे वो बात कर लूं मैं एनरोलमेंट से लेकर पूरी इलेक्शन प्रोसेस तक, जहां तक आपका एनरोलमेंट होता है और इलेक्शन तक होता है, वहां तक ये कह रहे हैं कि जो पूरी प्रोसेस है दैट शुड बी द पीडब्ल्यूडी फ्रेंडली एसेसिबल टू द एंटायर सिस्टम, चाहे वो BLO मतलब आपका बिल्कुल लोवेस्ट लेवल से जो उसका हेडक्वार्टर है वहां तक। तो बैकग्राउंड क्या है, देखो सिंपल सी बात है यार, जनवरी 2018 से ये बात रखी गई कि जो 2019 का जो चुनाव होगा उसका बेसिक थीम ही क्या होगा, उसका थीम ही होगा एसेसिबल इलेक्शन। ठीक है, ताकि जो पीडब्ल्यूडी सेक्शन है हमारा, प्लस में जो सीनियर सिटीजन है हमारे, उनके लिए चुनाव जो है वो टोटली एक्सेसिबल हो जाए। ठीक है, तो इस प्रोसेस के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको पूरी एंटायर जो प्रोसेस है, चेन जो है इलेक्शन प्रोसेस को, उसको ईजी करना पड़ेगा। तो वो चाहे एनरोलमेंट हो चाहे इलेक्शन हो, तो उसको पूरे का पूरे इनको पीपल फ्रेंडली जो है वो बनाना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्टेप्स टेकन बाय द ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा अभी तक क्या क्या स्टेप लिए जा चुके हैं टू मेक दिस प्रोसेस इजी एंड एसेसिबल टू द PWD सेक्शन एंड द सीनियर सिटीजन। सो एग्जॉस्टिव मैपिंग ऑफ द PWD वाटर्स, प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, है ना, बहुत सारे हमने काम किए हैं उसके लिए। PWD मतदाताओं की अत्यधिक मैपिंग की गई है, मैप में उनको मतलब कहाँ पर जो है ज़्यादा PWD सेक्शन के लोग रहते हैं, तो ये पूरी मैपिंग जो है PWD वोटर के लिए वो की गई है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है, स्पेशल वॉलंटियर्स इनके लिए असाइन किए गए हैं, अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज, इनको कुछ मिनिमम सुविधाएं जो हैं वो दी गई है, जैसे रैंप
जो होगा वो व्हीलचेयर इनको दिया गया है, साइन लैंग्वेज का इनको बेनिफिट दिया गया है, ईवीएम विद ब्रेली, मतलब वो जो ऐसे आंख बंद करके वो टच वच करके देखते हैं ना, दैट ब्रेली सिस्टम, तो वो ब्रेल सिस्टम जो है वो भी दिया गया है एट पोलिंग स्टेशन. एंड मोस्ट रिसेंटली द प्रोविजन ऑफ द पोस्टल बैलेट टू द पीडब्ल्यूडी वोटर्स आर सम ऑफ द इनिशिएटिव्स टेकन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. अभी आपने देखा होगा, आपने अभी आपने को पता होगा झारखंड के अंदर चुनाव हुए हैं, झारखंड के अंदर जो चुनाव हुए हैं उसके अंदर ये लेटेस्ट इनिशिएटिव लिया गया है कि जो बैलेट पेपर है ना, पोस्टल बैलेट पेपर जो है वो प्रोसेस जो है उसके द्वारा भी जो पीडब्ल्यूडी है वो इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. पोस्टल बैलेट मतलब अपना जो बैलेट है, जो अपनी वोट है वो कास्ट करके वो आपको पोस्ट के द्वारा भेज देंगे. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंश्योर द एसेसिबिलिटी एंड अपहोल्ड द टेनेंट ऑफ नो वोटर लेफ्ट बिहाइंड. मतलब इस पूरी प्रोसेस का, ये सारे सारे काम किए हैं और ये सारे के सारे काम करने के पीछे का इंटेंशन क्या है कि कोई भी वोटर जो है इस पूरी एंटायर प्रोसेस से बाहर ना रह जाए, है ना, ये काम इसलिए कर रहे हैं. अच्छा, अब ये जो वर्कशॉप हुई थी इसकी हाईलाइट क्या क्या थी, तो इस हाईलाइट को मैं बताऊं तो चीफ इलेक्शन कमीशन जो थे हमारे ऑफ इंडिया गेव थ्री प्रॉन्ट स्ट्रेटजी, उन्होंने तीन प्रॉन्ट स्ट्रेटजी दी. भारत के मुख्य चुनाव आयोग ने तीन प्रचलित रणनीतियां दी. ये कौन कौन सी थी, पहली अगर मैं बात करूं तो वो कौन सी आपकी, दैट इज बेंचमार्किंग ऑफ डेटा, डेटा असेसिंग इट अगेंस्ट पैरामीटर ऑफ द एक्सेसिबिलिटी इंडेक्स, पहला. दूसरा क्या, मेकिंग ईसीआई एंड सीईओ वेबसाइट कंप्लायंट विद द प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइन, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन टू एम्पावर द इलेक्शन कमीशन फॉर द एडिक्वेट चेंज. बात समझना, तीन चीजें स्ट्रेटजी में उन्होंने दी, थ्री पॉइंट स्ट्रेटजी. थ्री पॉइंट स्ट्रेटजी में पहला क्या था, बेंचमार्किंग ऑफ डेटा, कि डेटा की बेंचमार्किंग करो. दूसरा, एक्सेसिंग इट अगेंस्ट द पैरामीटर ऑफ एसेसिबिलिटी इंडेक्स, कि जो हमारे पास एसेसिबिलिटी इंडेक्स है उसके अगेंस्ट में ये जो आप डेटा कलेक्ट करते हो इस पर काम करो. एंड जो ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है और जो आपका सीईओ की वेबसाइट है आपका, वो वेबसाइट कंप्लेंट्स कंप्लायंस विद द प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइन, द कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन टू एम्पावर द इलेक्शन कमीशन फॉर द एडिक्वेट चेंजेस. सीओ वेबसाइट को निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप बनाया और निर्वाचन आयोग को पर्याप्त बदलाव के लिए सतत मूल्यांकन का अधिकार दिया. तो ये सारे काम किए गए. दूसरा क्या दिया गया, विद स्टेक होल्डर फ्रॉम अक्रॉस इंडिया इन अटेंडेंस द टेक्निकल सेशन इन्वॉल्व्ड ग्रुप टास्क डिलीवरेशन ऑन द फोर असाइन टॉपिक सच एज. देखो इसमें क्या बताया गया, पूरे जितने भी स्टेक होल्डर हैं, जो जो लोग इसके अंदर शामिल है उनका आपका रेगुलर अटेंडेंस, उनका टेक्निकल सेशन कराया गया, है ना, ग्रुप टास्क कराए गए, है ना, तो बहुत सारी चीजें जो है वो कराई गई चार टॉपिक के ऊपर. वो चार टॉपिक कौन से, देखो ये रहा, इलेक्शन रजिस्ट्रेशन, मैपिंग इन इलेक्टोरल रोल, फैसिलिटेशन एंड द पोलिंग स्टेशन स्पेशली फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी, सीनियर सिटीजन, असेसिबल वोटर एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द असेसिबल इलेक्शन. ये सारा का सारा काम के ऊपर, मतलब इन चार इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर आपका क्या किया गया, पूरी की पूरी जो वर्कशॉप है वो ऑर्गेनाइज की गई. देखो मैं दोबारा बता देता हूं आपका, ठीक है, विद द स्टेक होल्डर, जितने भी स्टेक होल्डर थे उपस्थिति में भारत के हर हितधारकों के साथ तकनीकी सत्रों में समूह कार्यों को चार नियत विषयों जैसे विचार परामर्श, जिसमें विचार परामर्श भी शामिल था, तो वो सारे के सारे काम इन्होंने किए, ठीक है. अब वो क्या क्या चार टॉपिक थे, वो ये रहे, देखो दोस्तों, पहला इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन, किस प्रकार से इलेक्शन में रजिस्ट्रेशन होगा, मैपिंग कैसे करोगे आप इलेक्टोरल रोल की, फैसिलिटेशन एंड द पोलिंग सेशन स्पेशली फॉर द पर्सन विद द डिसेबिलिटी एंड द सीनियर सिटीजन, भाई कैसे उनसे आप अच्छे से बातचीत करोगे, कैसे उनको आप फैसिलिटी प्रोवाइड करोगे, विकलांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष रूप से मतदान केंद्र पर सुविधा कैसे प्रदान करोगे, एसेसिबल वाटर एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द एसेसिबल इलेक्शन, पहुंच योग्य मतदाता शिक्षा और संचार रणनीतियां और पहुंच योग्य चुनाव में प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे करोगे, है ना. तो ये सारे चार टॉपिक के ऊपर ये पूरी पूरी जो है ये वर्कशॉप थी ऑर्गेनाइज की गई. द पार्टिसिपेंट वर्कड ऑन इवेल्युएटिंग द करंट चैलेंजेस, एनालाइजिंग द इन प्लेस इनिशिएटिव एंड डिवाइजिंग सॉल्यूशन एज अ पार्ट ऑफ थीमेटिक प्रेजेंटेशन दैट वर मेड टू द कमीशन. क्या कह रहा है, प्रतिभागियों ने वर्तमान चुनौतियों का मूल्यांकन करने, इन प्लेस की पहल का विश्लेषण करने और समाधान तैयार करने पर काम किया जो विषयगत प्रस्तुतियों के भाग के रूप में आयोग को किए गए थे. पूरा जो पार्टिसिपेंट था, जितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, दे वर्कड ऑन इवेल्युएटिंग एंड द करंट चैलेंज, कि वर्तमान में क्या क्या हमारे पास चैलेंज है उन पे काम किया उन्होंने, उनको एनालाइज किया, है ना, और कुछ ऐसे इनिशिएटिव डिवाइस किए, कुछ ऐसे सॉल्यूशन डिवाइस किए ताकि उसका समाधान हो सके, और यही इस पूरे कैंपेन का, इस पूरे कमी वर्कशॉप का क्या था, रूल भी था.
एक रिपोर्ट भी और रिलीज की गई जिसका नाम रखा गया दोस्तों असेसिबिलिटी रिपोर्ट 2019, और जिसके अंदर क्या क्या बताया गया, जिसके अंदर बताया गया कि क्या क्या जो वर्कशॉप की हाईलाइट है, पॉलिसीज क्या क्या हैं, गाइडिंग प्रिंसिपल क्या क्या हैं जो असेसिबल इलेक्शन के। तो ये खत्म होता है जल्दी से, मैं इसको समराइज कर देता हूँ। देखो दोस्तों, मैंने क्या बताया आपका, असेसिबल इलेक्शन का जो ये थीम है, ये जो एजेंडा है हमारा असेसिबल इलेक्शन का, इसके ऊपर एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई है। असेसिबल इलेक्शन का एजेंडा जो है ये हमने दिसंबर 2018 से ही अपना रखा है ना। हमने बोला था कि जनवरी 2018 से अपनाया हुआ, हमने बोला था कि जो अभी 2019 के इलेक्शन होंगे उसमें हमारा जो मेन थीम होगा वो क्या रहेगा, असेसिबल इलेक्शन, ताकि हर लोगों तक जो इलेक्शन है, मतलब ये डेमोक्रेसी का जो लार्जेस्ट फेस्टिवल होता है, माना जाता है, कौन सा आपका इलेक्शन, इसके अंदर सभी लोग पार्टिसिपेट करें, मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट करें, स्पेशली पीडब्ल्यूडी जो है और जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं ये पार्टिसिपेट करें। तो उसके लिए एक वर्कशॉप है, तो उसी के लिए पूरा सिस्टम है। ये बैकग्राउंड है, मैंने बता दिया आपको पूरी प्रोसेस को, इन्होंने ईज करने की बात की, एनरोलमेंट से लेकर इलेक्शन तक जो है आपका ये पीडब्ल्यूडी और सीनियर सिटीजन फ्रेंडली होना चाहिए। ये अलग अलग स्टेप्स क्या क्या लिए गए थे, ये हाईलाइट थी, थ्री प्रोंग स्ट्रेटजी के बारे में बताया गया उन्होंने, स्टेक होल्डर के साथ में अलग अलग काम किए गए, ग्रुप टास्क किए गए, डिलीवरेट जो आपका जो काम किया जा सकता है उनकी बातचीत की, और ये चार डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर उनसे सलाह मशवरा जो है वो किया गया, उनको समझाया गया, बातचीत की गई। ये था, और एक रिपोर्ट रिलीज की जिसका नाम क्या था, एसेसिबिलिटी रिपोर्ट 2019। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इंडो यूएस 2+2 डायलॉग, ये क्या है, आपको पता ही होगा हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं मिस्टर राजनाथ सिंह जी और जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, ये यूएस की विजिट पर हैं। क्या करने गए हैं भाई वहाँ पे कोई छुट्टियां मनाएं थोड़ी नहीं गए हैं, ये गए हैं वहाँ अपने जो इनके जो पीयर्स हैं, मतलब जो इनकी सेम मिनिस्ट्री, जैसे इंडिया के अंदर है आपका मिनिस्ट्री होम मिनिस्ट्री, तो वहाँ पर क्या है आपका यूएस सेक्रेटरी, यूएस सेक्रेटरी, जैसे इंडिया यूएस सेक्रेटरी, जैसे यार राजनाथ सिंह है डिफेंस मिनिस्टर, वहाँ क्या है यूएस सेक्रेटरी ऑफ द डिफेंस डॉक्टर मार्क टी एस्पर, और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जिसका नाम है मिशेल आर पेम्पो, ठीक है, तो इनसे मिलने गए हैं ये दोनों, राजनाथ सिंह जी और डॉक्टर एस जयशंकर। तो ये जो दो इंडिया से प्लस दो यूएस से, तो कितना हो गया 2+2, इसलिए इसका नाम दिया गया 2+2 मीट, ठीक है। ये इस बार ना सेकेंड एडिशन था, ठीक है, दिस वॉज द सेकेंड एडिशन, वॉशिंगटन के अंदर हो रहा है, दिसंबर 18 से स्टार्ट हुआ था 2019, फॉर द सेकेंड एनुअल एक्सरसाइज होती है ये, मतलब हर साल होती है, और ये अभी दूसरी एक्सरसाइज, मतलब लास्ट ईयर से ही स्टार्ट हुई है। अगर मैं 2+2 के बारे में बात करूँ तो ये क्या है, दिस 2+2 मिनिस्ट्रियल इज द हाइएस्ट लेवल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बिटवीन द टू कंट्रीज एंड प्रोवाइड फॉर अ रिव्यू ऑफ द सिक्योरिटी डिफेंस स्ट्रेटजीज पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट। ये 2+2 मंत्री स्तरीय दोनों देशों के बीच उच्चतम स्तर का संस्थागत तंत्र है, और भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सुरक्षा, रक्षा, रणनीति, साझेदारी की समीक्षा के लिए प्रदान करता है। ये भारत, ये जो है अभी ये दूसरी बैठक है, ये जो है ना आपका, दिस वॉज द सेकेंड मीटिंग ऑफ द एंड द फर्स्ट इन यूएस, वैसे दूसरी मीटिंग है, पहली मीटिंग इंडिया में हुई थी, और पहली जो है ये मीटिंग इंडिया में थी, और ये दूसरी मीटिंग जो अब कहां पर हो रही है आपका अमेरिका में, बात समझ में आई। सो 2+2 की मैं बात कर रहा हूं, मतलब भारत के दो मंत्री और यूएस के दो सेक्रेटरी आपस में बैठ के बातचीत करेंगे, किस किन किन मुद्दों पर, ये बात करेंगे आपका सिक्योरिटी पर, ये बात करेंगे डिफेंस पर, ये बात करेंगे स्ट्रेटजी पार्टनरशिप के ऊपर, किस किस के बीच में बात रहेगी, इंडिया और यूएस के बीच में, इसी को बोला गया 2+2। ओके, अब देखते हैं इसकी क्या क्या हाइलाइट्स थे, क्या क्या आउटकम थे, वो सब हम बात करेंगे। सो एट द डायलॉग क्या हुआ, बोथ साइड पॉजिटिवली अप्रेज्ड द ग्रोइंग पार्टनरशिप बिटवीन द इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट, जो भारत और यूनाइटेड स्टेट यूएस के बीच में, इंडिया और यूएस के बीच में जो हमारी पार्टनरशिप ग्रो कर रही है, दोनों ने उसकी सराहना की, एंड नोटेड दैट इंपॉर्टेंट माइलस्टोन हैड बीन अचीव्ड सिंस द इनॉग्रल 2.2 डायलॉग इन द न्यू दिल्ली 2018। इन्होंने ये भी बोला कि जब से ये 2+2 डायलॉग स्टार्ट हुआ है ना, तब से भारत और यूएस के बीच में काफी काफी अच्छे अच्छे काम हुए हैं, काफी अच्छे अच्छे जो है उसके अंदर माइलस्टोन जो है इन्होंने अचीव किए हैं। दूसरी बात क्या बोली इन्होंने, बोथ साइड रिटेरिएट दैट कमिटमेंट टू एडवांसिंग अ फ्री, ओपन, इंक्लूसिव, पीसफुल एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन, मतलब दोनों ही देश चाहते हैं कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है, जिसमें भारत को, देखो पैसिफिक रीजन है ना, तो पैसिफिक रीजन के अंदर अभी इंडिया को रोल दिया गया, इसलिए नाम क्या, इंडो पैसिफिक।
सो जो ये दोनों ही देश चाहते हैं कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहां पर फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और पीसफुल एंड प्रॉस्परस जो है काम आपका वो चलता रहे। दोनों पक्षों ने एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी, शांतिपूर्ण और समृद्ध भारत प्रशांत क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। आगे चलते हैं। At the dialogue, both side also committed to further deepen the military-to-military cooperation. भाई दोनों ने कहा है कि हम जो सैन्य सहयोग हैं उसको भी बढ़ाएंगे। हम मिलिट्री, यूएस मिलिट्री और इंडियन आर्मी के बीच में भी सहयोग जो है उसको बढ़ाने की बात की, इंक्लूडिंग बिटवीन द इंडियन नेवी, यूएस नेवी फ्लीट अंडर द यूएस इंडो पैसिफिक कमांड, सेंट्रल कमांड, अफ्रीकन कमांड एंड इंटेंडेड टू एक्सपेंड सिमिलर कॉपरेशन बिटवीन देयर रेस्पेक्टिव आर्मीज एंड द एयरफोर्स। मतलब तीनों आर्मी, आपकी जो थल, जल और वायु सेना है ना, तीनों के बीच में कॉपरेशन को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर कमिटमेंट जो है वो शो किया गया है, बोला है कि वो वी वॉन्ट टू डीपन अवर मिलिट्री टू मिलिट्री कॉपरेशन। नेक्स्ट क्या है, द टू साइड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द टू साइड कॉन्क्लूडेड द इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स। क्या साइन किया गया, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स ISA इन्होंने साइन किया है इन द ड्यूरिंग द विजिट। प्रायोरिटी इनिशिएटिव्स हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर द एग्जीक्यूशन अंडर द डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव प्रोग्राम्स। दोनों पक्षों ने यात्रा के दौरान औद्योगिक सुरक्षा अनुबंध का समापन किया है। रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल यानी कि DTTI कार्यक्रम के तहत निष्पादन के लिए प्राथमिकता पहल की पहचान की गई है। बात समझ में आ रही कि एक तो साइन किया है, क्या कॉन्क्लूड किया है, एक एग्रीमेंट जिसका नाम है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स इस विजिट के दौरान। दूसरा, प्रायोरिटी इनिशिएटिव्स हैज बीन आइडेंटिफाइड कि किन किन इनिशिएटिव्स को, क्या क्या मुद्दे हैं जिनको प्रायोरिटी देनी चाहिए फॉर द एग्जीक्यूशन, काम करने जिन पर अभी एग्जीक्यूशन हो जाना चाहिए अंडर द डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव। जो DTTI एग्रीमेंट है उसके अंडर में क्या क्या प्रायोरिटी इनिशिएटिव होने चाहिए, उन पर एग्जीक्यूशन कैसे होना चाहिए, उसके लिए सबके लिए जो है दोस्तों यहाँ पर बातचीत की गई। आगे बढ़ते हैं। द टू साइड ऑल्सो कंक्लूड अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस, एक SOP का मतलब कैसे काम करेंगे, है ना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस जो है उसका भी यहां पर जो है डिस्कशन किया गया। इस प्रक्रिया में दोनों पक्षों ने एक मानक संचालन प्रक्रिया भी संपन्न की। दीज मीजर आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड मोमेंटम टू कोलैबोरेशन बिटवीन द प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्रीज ऑफ बोथ, है ना भाई, जो भारत की प्राइवेट इंडस्ट्री और यूएस की जो निजी रक्षा उद्योग के बीच में सहयोग प्रदान करने की जो है वो उम्मीद जताई गई है और बातचीत दोनों में हुई है। द टू साइड ऑल्सो एग्री टू मूव फॉरवर्ड इन देयर एंगेजमेंट इन द एरिया ऑफ डिफेंस इनोवेशन। इन्होंने बोला कि डिफेंस इनोवेशन के अंडर भी हम जो है अब दोनों ही कंट्री जो है वो काम करेंगे और डिफेंस इनोवेशन यानी कि DI के अंदर में हम आगे बढ़ेंगे। बात समझ में आई? तो दोस्तों पूरी की पूरी न्यूज जो है उसका थीम क्या है मैंने बताया आपको, भारत और अमेरिका के बीच के अंदर एक एनुअल आपका भारत के दो मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर दोनों के बीच में, प्लस ऐसे ही जैसे दो इंडिया से प्लस दो कहां से, यूएस से, टू इंडिया एंड टू फ्रॉम द यूएस, इसलिए नाम क्या पड़ा इसका 2+2, तो ये 2+2 डायलॉग है। तो ये अभी हो रहा है, हुआ है 18 से लेकर 20 दिसंबर कहां पर, यूएस के अंदर। पहला कहां पर हुआ था, पहला हुआ था सर जी नई दिल्ली के अंदर, है ना। दोनों लोग मिले और इन्होंने बातचीत की, सब बढ़िया चल रहा है, सब मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया काम किया है। 2018 में हमने शुरू किया था, दिसंबर 2018 में हमारी पहली मीटिंग हुई थी दिल्ली के अंदर और उस पे हमने बहुत सारे काम किए हैं। इन्होंने दोनों ने जो डिफेंस कॉपरेशन थे उनकी सराहना की है कि भारत और यूएस काफी अच्छा कर रहा है। इंडो पैसिफिक रीजन में दोनों ही लोग चाहते हैं कि शांति का माहौल बना रहे, है ना, इक्वलिटी रहे वहां पर फ्रीडम रहे। दोनों ही देश ने बात की है कि वो दोनों की जो आर्मी है, फिर एयरफोर्स है या नेवी जो है, उनके बीच में एंगेजमेंट, टाइज जो है वो इंक्रीज करना चाहते हैं। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया है, ISA इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स जो है वो भी डिसाइड किया, कॉन्क्लूड कर लिया है। और DTTI के तहत में जो भी प्रायोरिटी एरिया है जिन पर एग्जीक्यूशन अभी करना चाहिए वो भी यहाँ पर डिसाइड किए गए हैं। तो ये था पूरा, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दिस इज द पिंका मिसाइल सिस्टम। तो ये पिनाका मिसाइल सिस्टम जो है ये क्या है, पिनाका मिसाइल सिस्टम की बात करूं तो कॉन्टेक्स्ट क्या, देखो मैं क्यों पूछ रहा हूं, अभी ना DRDO ने मार्क टू जो है इसका, पिनाका का जो मार्क टू सिस्टम है जिसकी रेंज है लगभग 75 किलोमीटर के आसपास, उसको टेस्ट किया है। अच्छा, जो पिनाका मिसाइल सिस्टम है ये है क्या, बेसिकली रॉकेट लॉन्चिंग
स्टेशन होता है, मतलब रॉकेट टाइप की मिसाइल जो है वो छोड़ी जाती है, और बेसिकली ये एक ट्रक होता है, ट्रक के ऊपर ऐसे ना मिसाइल लोड हो जाती है उसके पीछे में। और ये फायदा कहाँ देती है आपका, जब दुश्मन जो है एनिमी जो है आपका ना हाइट पे छुप के बैठा हो, जैसे कारगिल के वॉर में हुआ था, कारगिल के वॉर में ऐसा ही तो हुआ था, दुश्मन जो है पहाड़ी पे बैठा था हम नीचे से, तो ये इस चीज के अंदर क्या करती, हेल्प करती है। 75 किलोमीटर तक इसकी रेंज है जो अभी टेस्ट फायर की गई है, बहुत ही एक्यूरेसी के साथ में काम करता है, और डीआरडीओ ने कुछ और अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर इसको बनाया। सो डीआरडीओ सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट पिनाका मिसाइल सिस्टम ऑफ द उड़ीसा कोस्ट, जो चांदीपुरी जो जगह है, चांदीपुरी जो टेस्ट रेंज है वहां पर इसको टेस्ट किया गया। पिनाका इज अ मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, मतलब मल्टीपल, एक साथ मल्टीपल रॉकेट ही लॉन्च कर सकती है, प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, डेवलप्ड बाय द डीआरडीओ फॉर द इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी के लिए। देखो पहली बार मैंने बताया ना कारगिल के युद्ध में इसका इस्तेमाल किया गया, तब से बहुत फेमस होगी, चल रही है। द सिस्टम हैज अ मैक्सिमम रेंज ऑफ 40 किलोमीटर फॉर मार्क 1 एंड 75 किलोमीटर फॉर मार्क 2। अब ये मार्क 2 को टेस्ट किया गया, एंड कैन फायर अ सेल्वो ऑफ 12 HE रॉकेट्स इन 44 सेकेंड, मतलब 44 सेकेंड के अंदर ये क्या कर सकती है आपका, 12 रॉकेट जो है वो लॉन्च कर सकती है। देखो कितनी अच्छी कैपेसिटी इसकी है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, द सिस्टम इज माउंटेड ऑन द टेट्रा ट्रक, एक टेट्रा ट्रक होता है उसके ऊपर ये माउंट किया जाता है, मतलब इसको आप एक जगह से ना दूसरी जगह पे ले जा सकते हो, तो ये मोबाइल है, ठीक है, गतिशील है। इसमें पिनाका सा सर्विस ड्यूरिंग द कारगिल वॉर, कारगिल वॉर के दौरान इसमें इसको देखा गया था, यूज किया गया था, वेयर इट वॉज सक्सेसफुली न्यूट्रलाइजिंग द एनिमी पोजिशन द माउंटेन टॉप, है ना। द पिनाका MK2 रॉकेट इज मॉडिफाइड एज अ मिसाइल बाय इंटीग्रेटेड विद द नेविगेशन कंट्रोल एंड गाइडेंस सिस्टम टू इम्प्रूव द एंड एक्यूरेसी एंड एनहांस द रेंज, मतलब इसको जो मार्क 2 रॉकेट सिस्टम है ना, इसकी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए ना इसके अंदर एक सिस्टम और ऐड किया गया है, नेविगेशन सिस्टम इस मॉडिफाइड कर दिया इस मिसाइल को, इसमें नेविगेशन कंट्रोल सिस्टम और गाइडेंस सिस्टम जो है वो सारे के सारे जोड़े गए हैं इसकी, ताकि इसकी एफिशिएंसी जो है उसको क्या किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके, इसकी एक्यूरेसी को इम्प्रूव किया जा सके टू एनहांस द रेंज। द नेविगेशन सिस्टम ऑफ द मिसाइल इज ऑल्सो एडिड बाय द IRNSS इंडियन रीजनल नेविगेशन सेटेलाइट, IRNSS ये इसके अंदर जो है, यहां पर जो पूरा नेविगेशन सिस्टम होगा ना इसके अंदर, मैंने बताया मार्क 2 को क्या किया गया है मॉडिफाई, तो मॉडिफिकेशन के अंदर में जो इसमें नेविगेशन दिया गया है वो इंडियन रीजनल नेविगेशन सेटेलाइट IRNSS के द्वारा यहां पर प्रोवाइड किया गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखो मैं कह रहा हूं पिनाका जो है इस मिसाइल के हम बारे में बात कर रहे हैं, तो मार्क 2 को हमने टेस्ट कर लिया, 75 किलोमीटर तक बढ़िया रेंज में चल रही है, निशाना एकदम सटीक है, बढ़िया, जहां हम टारगेट हमने डिसाइड किया वहीं पे जाके हिट कर रही है, इसको हमने रॉकेट को अपग्रेड कर दिया है किसके द्वारा, आपका नेविगेशन और कंट्रोल और गाइडेंस सिस्टम, ताकि इंप्रूव एक्यूरेसी बढ़ सके इसमें, तो ये सारे काम जो है यहां पर इसमें किए गए हैं। अच्छा चलो नेक्स्ट बात करते हैं पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के ऊपर। ये क्या है, देखो नीति आयोग जो है ना, इसने अभी 15 अगस्त को आपको याद हो तो 15 अगस्त 2019 को अगर आपको याद हो तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जो हैं, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने रेड फोर्ट से ये बोला था कि यार जनसंख्या को नियंत्रण में करो, जनसंख्या कंट्रोल में लो, है ना, जनसंख्या कंट्रोल में लेनी बहुत जरूरी है। इंडिया भारत जो है 1.3 बिलियन, भारत के अंदर अगर बात करूं तो 1.37 बिलियन जो है ना वो इंडिया की पॉपुलेशन, अकेला ऐसा कंट्री है जहां फर्टिलाइजेशन रेट तो घट रहा है, फर्टिलिटी रेट तो घट रहा है, लेकिन पॉपुलेशन लगातार इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि 50% जो अभी भी हमारी पॉपुलेशन है, मोर देन 50-60% मान लो, वो अभी भी रिप्रोडक्टिव स्टेज के अंदर है, ठीक है। तो जो इंडिया की 60% वुमेन जो है वो अभी भी अगर बात करोगे तो 5 to 45 years के बीच में, मतलब ये रिप्रोडक्टिव एज होती है, तो इसीलिए इंडिया की पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज हो रही है ना। मोदी साहब ने बोला यार पॉपुलेशन कंट्रोल करना भी एक देशभक्ति की भावना, अब देशभक्ति तो करनी पड़ेगी ना। अब उसके लिए नीति आयोग बेचारा हाथ पैर मार रहा है। अब ये क्या कर रहा है, देखो नीति आयोग इज ऑर्गेनाइजिंग अ नेशनल कंसल्टेशन टाइटल्ड रियलाइजिंग द विजन ऑफ पॉपुलेशन स्टेबिलाइजेशन लीविंग नो वन बिहाइंड ऑन 20th दिसंबर 2019 एट द नीति भवन। नीति भवन में 20 दिसंबर 2019 को ना ये एक वर्कशॉप टाइप की ऑर्गेनाइज की है किसने, नीति आयोग ने, जिसका काम क्या है भाई, वो नेशनल कंसल्टेशन, इसका नाम है कि किस प्रकार से पॉपुलेशन स्टेबिलाइजेशन का जो गोल है उसको रियलाइज किया जा सके। डिटेल की बात कर रहा हूं मैं, तो डिटेल में क्या क्या हुआ, द कंसल्टेटिव मीटिंग बींग ऑर्गेनाइज इन पार्टनरशिप विद द पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया PFI will bring together senior official experts, subject matter specialists to discuss ways and means to strengthen India's population policy and the family planning program. है ना, देखो family planning program जो है ये सबसे अच्छी चीज मानी जाती है ना,
तो इसके क्या क्या डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, तो इस पर एक्सपर्ट ने बात की, कैसे पॉपुलेशन पॉलिसी होनी चाहिए, इस पर एक्सपर्ट जो सीनियर ऑफिसर है, जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, सबने मिलकर सबने बातचीत की कैसे करके ना कि जो आपकी पॉपुलेशन है इसको हम कम करें, कैसे पॉपुलेशन को रिक्रीज किया जा सके। इसके बाद द रिकमेंडेशन फॉर द कंसल्टेशन विल कॉन्ट्रीब्यूट, जो ये इससे सारा निकल के आएगा ना, ये जो बातचीत होगी, अभी ये हुआ नहीं है, आज होगा है, ये सारा काम आज होगा, तो ये जो भी बातचीत निकल के आएगी ना यहाँ से, वो नीति आयोग का जो वर्किंग पेपर है ना उसकी तरफ कंट्रीब्यूट। नीति आयोग का वर्किंग पेपर मतलब किस पे काम कर रहा है नीति आयोग, मैंने बताया तो यार, अब नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को बोल दिया कि पॉपुलेशन कंट्रोल करो, अब वो थिंक टैंक है कि कौन, नीति आयोग, तो वो काम तो करेगा ना, तो ये अपना एक वर्किंग पेपर, एक मॉडल तैयार कर रहा है, तो उस मॉडल के अंदर जो इनपुट आएगी वो कहां से आएगी, ये जो वर्कशॉप अभी ऑर्गेनाइज कर रहा है ना नीति भवन में, यहां से जो डिफरेंट लोग मिलके बैठ के जो प्लान बनाएंगे। The working paper is expected to address the key gaps in the India's family planning program, जिससे जो भारत के जो family planning program में जो gap हैं, loop holes हैं, वो ठीक किए जा सकते हैं। It will offer constructive recommendation to address regional disparities in the outcome by focusing on the adolescent, youth and interdepartmental convergence, demand generation, access to the contraceptive service and the quality care। बात समझ में आ रही? यह किशोरों और युवाओं, अंतर विभागीय अभिसरण, मांग निर्माण, गर्भ निरोधक सेवाओं तक पहुंच, देखभाल की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करके परिणामों के क्षेत्रीय विषमताओं को संबोधित करने के लिए एक रचनात्मक सिफारिश देगा। समझ में आ रही बात? सो इट विल ऑफर अ कंस्ट्रक्टिव रिकमेंडेशन टू रीजनल एड्रेस डिस्पैरिटी इन आउटकम बाय फोकसिंग ऑन एडोलसेंट एंड द यूथ्स, इंटर डिपार्टमेंटल कन्वर्जेंस, डिमांड जनरेशन, एक्सेस टू द कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विस। ठीक है, इन पे मुद्दे पे बातचीत यहां पर होगी। अच्छा, हमने पहले से ही निष्कर्ष निकाल लिया कि इसकी एक्सपेक्टेड आउट का रिकमेंडेशन क्या होगी। ये मैंने नहीं, ये पीआईबी वालों ने छापा है, तो उन्होंने ये रिकमेंडेशन पहले से उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि अपेक्षित सिफारिशें क्या होंगी। तो ये क्या कहेंगे, जो वेयर कॉन्ट्रासेप्टिव चॉइस होती है ना हमारे पास, उसको जो गर्भ निरोधी विकल्प है ना उनको बढ़ाओ, ज्यादा फोकस दो किस पर, आपका स्पेशल मेथड हेल्पिंग वुमेन मेक इन्फॉर्म्ड चॉइस अबाउट द डिलेइंग प्रेगनेंसी एंड स्पेसिंग बिटवीन द चिल्ड्रन, कि महिलाओं को समझाओ, महिलाओं को अवगत कराओ इस बात से कि किस प्रकार से आप प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हो और दो बच्चों के बीच में कितना गैप होना चाहिए, वो सब उन बातें उनको बताओ। एड्रेसिंग द सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ द हेल्थ सच एज एज एट द मैरिज, सेक्स सेलेक्टिव प्रैक्टिसेस, स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों को संबोधित करना जैसे विवाह और सेक्स चयनात्मक प्रथाओं पर, आयु वगैरह, इन इन मतलब किस एरिया के अंदर, किस टाइम के अंदर आपकी शादी होनी चाहिए, है ना, और ये अदर जो सेक्स सेलेक्टिव प्रैक्टिसेस होती हैं इन पर ध्यान देना, इन पर। स्ट्रेंथनिंग द क्वालिटी ऑफ केयर, है ना, कि इंक्लूडिंग काउंसलिंग सर्विसेज, जो केयर सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं ना उनको स्ट्रेंथन करो, जैसे हम काउंसलिंग देते हैं, काउंसलिंग को मजबूत करो। मैनेजिंग साइड इफेक्ट ऑफ द फैमिली प्लानिंग सपोर्ट, है ना, मैनेजिंग द साइड इफेक्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग सपोर्ट, जो परिवार नियोजन सहायता सहित देखभाल की गुणवत्ता को मजबूत करना, परामर्श सेवाओं, दुष्प्रभाव का प्रबंधन और परिवार नियोजन सहायता सहित देखभाल की गुणवत्ता को मजबूत करना। इंक्रीजिंग बजटरी एलोकेशन फॉर द फैमिली प्लानिंग, जो फैमिली प्लानिंग, जो मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली प्लानिंग है ना उसके साथ मिलकर जो बजट है हमारा उसको इंक्रीज करो। विद द अलाइन ऑफ अनमेट नीड ऑफ इंडियाज यंग पीपल्स हु कॉन्स्टिट्यूट नियरली 30% ऑफ अवर पॉपुलेशन, है ना, तो ये काम करो आप, बजट बढ़ाओ यार, ताकि ये नीड जो है ये सारा काम करने के लिए पैसा आ सके। एड्रेसिंग एग्जिस्टिंग सोशो कल्चरल बैरियर, जो अभी के जो हमारे पास सोशो कल्चरल, सामाजिक और जो आपके कल्चरल, अगर मैं बोलूं आपका, तो जो सामाजिक और कल्चरल को हिंदी में क्या कहते हैं, वही कल्चरल को बोलते हैं आपका सांस्कृतिक, तो जो सामाजिक और सांस्कृतिक बैरियर हैं, है ना, उनके तरफ काम करो। टुवर्ड्स कॉन्ट्रासेप्शन बाय इन्वेस्टिंग एक्सटेंसिवली इन इनोवेशन बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, नवीन व्यवहारों, परिवर्तन संचार रणनीतियों में बड़े पैमाने पर निवेश करके गर्भ निरोधों के प्रति मजबूत सामाजिक सांस्कृतिक बाधाओं को संबोधित करें। ट्रीटिंग पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन फैमिली प्लानिंग एज अ नेशनल प्रायोरिटी, भाई इसको राष्ट्रीय प्रायोरिटी दो, राष्ट्रीय प्राथमिकता दो, किसको, जनसंख्या स्थिरीकरण, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन और परिवार नियोजन को, तभी बात बनेगी। फोस्टरिंग इंटर डिपार्टमेंटल कन्वर्जेंस एंड इंश्योरिंग द मल्टी सेक्टोरल पार्टिसिपेशन इन द इंटीग्रेशन, आपको ना क्या करना पड़ेगा, आपको अंतर विभागीय अभिसरण को बढ़ावा देना और बहु क्षेत्रीय भागीदारी और एकीकरण को सुनिश्चित करना पड़ेगा, तभी ये हो सकता है। ओके,
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है, मतलब घुमाया हुआ। देखो ऑपरेशन ट्विस्ट पहली बार अगर मैं बात करूं तो यूएस में चलाया गया था, यूएस फेडरल रिजर्व में, कब आपका 2011 और 2012 में। काम पर्पस क्या था ना, टू मेक द लॉन्ग बोरोइंग चीपर, जो लंबे टाइम की बोरोइंग होती है, मतलब 10 साल 20 साल की जो बोरोइंग होती है उसको सस्ता करने के लिए। अब भारत भी एक ऐसा ही सिमिलर टाइप का जो फंक्शन है, सिमिलर टाइप का ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट करने वाला है, कब आपका 23rd of December को। क्या करेगा इंडिया, भारत इसमें क्या करेगा, भारत इसके अंदर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, उनको क्या करेगा, सेल करेगा और उनको क्या करेगा, परचेज करेगा। ये काम जो होता है इसको बोलते हैं OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन। मतलब सरकार आरबीआई जो है ये करता क्यों है, देखो आरबीआई का काम है लिक्विडिटी को मेंटेन करना। लिक्विडिटी मतलब तरलता, साधारण शब्दों में बोलूं तो मैं मनी कितनी है मार्केट के अंदर, पैसे की मात्रा कितनी है, पैसे का फ्लो कितना हो रहा है, तो इसको मैनेज करने के लिए आरबीआई क्या कर रहा है, ओपन मार्केट ऑपरेशन करेगा। कैसे तरलता मैनेज होती है सोचो, ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी है ना उसको सेल करता है, बेचता है। अच्छा आरबीआई बेच रहा है तो अगर आप परचेज करोगे तो आपको क्या देना पड़ेगा, आरबीआई पैसे देगी तो खरीदोगे आप, तो आपने पैसे दे दिए। देखो आरबीआई सेल कर रहा था, ठीक है, आरबीआई क्या कर रहा था आपका, सेल कर रहा था। आप हो यू, मैंने लिख दिया, आप क्या करना चाहते हो, परचेज करना चाहते हो, तो जब ये सेल करेगा आप परचेज, तो इसको आप क्या दोगे, इसको आप रुपया दोगे, है ना, आरबीआई ने रुपया रख लिया, आपके पास से रुपया आरबीआई के पास चला गया, तो मार्केट से लिक्विडिटी तरलता क्या होगी, कम होगी। उल्टा हो तो कि आरबीआई जो है अब आपसे, ये तो अब आपने खरीदा, अब आरबीआई वापिस आपसे खरीदे, मतलब आरबीआई जो है वो बाय करे सोचो, तो ये आपसे खरीदेगी मैच्योरिटी के टाइम पर, तो आपको क्या देगी, पैसा, आपके पास पैसा चला जाएगा, आपके पास पैसा बढ़ जाएगा तो आपकी लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसी के लिए सारा काम किया जा रहा है। तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई विल साइमल्टेनियसली बाय और सेल, दोनों काम एक साथ होंगे, जनरली एक एक होता है, या तो बाय होता है या सेल, बट इसमें दोनों काम होते हैं, इसलिए इसको नाम दिया गया ऑपरेशन ट्विस्ट। बाय और सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कितने हजार करोड़ की, 10,000 करोड़ की जो है यहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदा और बेचा जाएगा एक साथ, कब, 23 दिसंबर से, ओपन मार्केट ऑपरेशन। जिससे क्या होगा यार, आपका जो यील्ड है ये मैनेज हो, यील्ड का मतलब आप ये समझ सकते हो इंटरेस्ट रेट जो है, रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न जो है वो मैनेज किया जा सके। ये क्या कह रहा था, आरबीआई विल परचेज द लॉन्ग टर्म मेच्योरिटीज, लंबे समय की जो मेच्योरिटीज उनको परचेज करेगा, That are trading at a spread of 150 basis point। अब ये क्या है, देखो 150 basis point का मतलब है 1.5% के रेट उससे, मतलब इंटरेस्ट 1.5% का इंटरेस्ट होगा ओवर द रेपो रेट। मान लो रेपो रेट है आपकी 6, तो ये कितना होगा आपका 7.5%, मतलब 1.5% क्या होगा, ज्यादा, तो ये स्प्रेड होगा, इस पे प्रॉफिट होगा, मार्जिन होगा। सो दैट द यील्ड ऑफ दीज पेपर विल सॉफ्टन एंड सेल द शॉर्टर ड्यूरेशन वन, छोटे टाइम की जो सिक्योरिटी है उनका तो सेल किया जाएगा और जो लंबे टाइम की सिक्योरिटी उनको सेल परचेज किया जाएगा। द सेंट्रल बैंक सेड इट विल बाय द 10,000 करोड़ ऑफ 6.5% गवर्नमेंट बॉन्ड मैच्योरिंग इन 2019 एंड साइमल्टेनियसली सेल 10,000 करोड़ ऑफ शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स मैच्योरिंग इन 2020। ये काम किया गया। तो ऑपरेशन ट्विस्टेड का मतलब क्या है यार, ये याद रखो क्या होता है, बाकी ये क्या करेगा अभी वर्तमान में दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। आप याद रखना ट्विस्ट, ऑपरेशन ट्विस्ट पहली बार यूएस में हुआ था। ट्विस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर दोनों काम होते हैं, बाय भी होता है और सेल भी होता है। जनरली ये जो एक ही टाइम पे होता है, इसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, मतलब आरबीआई ओपन में जाके, मार्केट में जाके गवर्नमेंट की सिक्योरिटी क्या करती है, सेल और परचेज करती है। अगर आरबीआई जो है वो बाय करता है, आपसे खरीदता है, तो मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी है, भाई खरीदेगा तो आपको पैसा देगा, वो बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वो सेल करता है तो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, आपका डिक्रीज हो जाएगी, पैसा कम हो जाएगा। अच्छा लिक्विडिटी बढ़ेगी तो चांसेस होते हैं किसके, इन्फ्लेशन के, मुद्रास्फीति के। लेकिन अगर लिक्विडिटी घटे, लोगों के पास पैसा ही, तो महंगाई भी कहां से बढ़ेगी, तो इन्फ्लेशन जो होती है क्या हो जाती है, आपका डिक्रीज। और इन्हीं सब कामों को करने के लिए आरबीआई ये सारे काम करता है। यूएस डोनाल्ड, यूएस हाउस इम्पीचेस डोनाल्ड, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा ये डोनाल्ड ट्रंप वाली जो कहानी है, तो कल एक अंकित सर ने इसके ऊपर पूरी पूरी क्लास की है, ठीक है, वो आप देख लोगे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है यार CAA के चलते भारत के अंदर प्रोटेस्ट हो रही है ना, कल दिल्ली के अंदर, आज भी आप देखोगे, इसलिए आपकी क्लास ना इस फॉर्मेट में हो रही है, घर से क्लास ली जा रही है, बिकॉज जो दिल्ली में पहुंचना लगभग असंभव हो रखा है यार, गुड़गावा और जो दिल्ली के जो एंट्री पॉइंट है वहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है, मतलब किसी को जाने नहीं दे रहे।
तो कई जगहों पर जैसे कल मंडी हाउस में धारा सेक्शन 144 लागू हो गया था। सेक्शन 144 वैसे 44 जो है ना वैसे ब्रिटिश एरा से लिया गया था, ब्रिटिश टाइम से, क्योंकि उस टाइम इंडिया को हैंडल करने के लिए, इंडियन लोगों को जो प्रोटेस्ट करते थे उनको हैंडल करने के लिए इस्तेमाल करते थे। बट अभी आजादी के बाद अपन भी इसको खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें जो मजिस्ट्रेट या सब मजिस्ट्रेट जो लेवल के जो ऑफिसर होते हैं उनके पास एक्सेसिव पावर दे दी जाती है ताकि सिचुएशन को कंट्रोल करो। तो ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग वायलेंस हुए थे तो उनके बारे में है, कौन कौन से बंदों को, रामचंद्र गुहा जो हिस्टोरियन है बेंगलुरु से उनको पकड़ लिया, योगेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया, हर्ष मंदर को किया, सीताराम येचुरी को किया, डी राजा को किया, प्रकाश कारत को किया, उसके बाद बीरेंद्र कारत को किया, ये सारे के सारे पहुंचे तो इनको अरेस्ट कर लिया, कई कई जगह पर लोगों की मौत भी हुई है। तो ये सारा पूरा का पूरा फंडा। अब इसमें से काम का क्या है? कुछ नहीं, CAA हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, NRC हम ऑलरेडी, अब ये न्यूज तो रोज आएगी भाई, रोज बाजा बजेगा, आपको कोई पढ़ने की इसको जरूरत नहीं है, रोज रोज का आपको वो काम नहीं करना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये रोज हाय राम करेंगे, ठीक है, अब आपको उनको नहीं पढ़ना है, आपको सिंपल इतना ही याद रखना है, हाय राम मीन्स मतलब एक चीज को हम बार बार रिपीट करें, इट इज नॉट रिलेटेड टू एनी रिलीजन, मैं किसी उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, बट ये प्रोसेस जो है, ये प्रोटेस्ट जो है वो अब चलता रहेगा, अब ये क्या होगा क्या नहीं वो देखते हैं बाद में। ठीक है दोस्तों, सो ऑन दिस नोट यार आई एम एंडिंग द टुडेज क्लास, आज का जो क्लास है मैं ही समाप्त करना चाहूंगा, मिलते हैं नेक्स्ट, जब भी ये देखो यार कब सही होता है सारी चीजें, तो जल्द ही आपसे मुलाकात पुनः होगी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय।